हेलो दोस्तों, नमस्कार। कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेस के न्यू चैनल पर आप सभी दोस्तों का प्यार भरा स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों के लिए होने जा रहा है, क्योंकि आज जिस शख्सियत से हम बात कर रहे हैं, जिस शख्सियत से परिचर्चा कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन का तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में आप लोगों को एक सही गाइडेंस, जिसे हम प्रॉपर गाइडेंस कह सकते हैं, कहते हैं गाइडेंस बाई सेलेक्टेड कैंडिडेट, वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज मेरे साथ इस विशेष कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं दीपक जी। दीपक अभी फिलहाल एलडीसी पद पर कार्यरत है, और दीपक के बारे में विशेष हम दीपक से भी जानते हैं, और साथ में मैं भी आपको इनके बारे में बताता रहूँगा। तो सबसे पहला जो दीपक जी से मेरा क्वेश्चन है, तो दीपक जी सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आप फिलहाल किस विभाग में कार्यरत हैं, और आपका जो ये चयन हुआ है वो किस एग्ज़ाम के थ्रू हुआ है? मैं फ़िलहाल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ, और वर्तमान में गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, और मेरा इसमें चयन हुआ है ISMSSP द्वारा संचालित LDC के एग्ज़ाम 2018 द्वारा। हाँ, तो जैसा कि आपने सुना सर को, तो सर ने अभी बताया कि जो राजकीय महाविद्यालय है उसमें भी अपने LDC पद पर कार्यरत है, और इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो RSMSSB राजस्थान बोर्ड द्वारा जो एग्ज़ाम आयोजित की गई थी 2018, उसमें ये चयन हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा विभाग है ये, एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसे हम कह सकते हैं, और हायर एजुकेशन में है, तो अपने आप में एक पद की गरिमा और वैल्यू बनती ही है। तो अगला जो सवाल मेरा आपसे जो है LDC से रिलेटेड, वो ये है कि आपने इसमें सिलेक्शन एक ही अटेम्प्ट में किया, या फिर इसके लिए आपने 2-3 अटेम्प्ट पहले किए थे, और आपने तैयारी को किस रूप में अंजाम दिया, मतलब आपने तैयारी कैसे की इसकी? जी, मेरा इसमें पहले ही प्रयास में सिलेक्शन हुआ है, और मैंने केवल एक ही एग्ज़ाम दी है LDC की 2018 वाली। उसके लिए मैंने सन 2016 से तैयारी करना प्रारंभ किया था। 2017 में मैंने सर के यहाँ तैयारी स्टार्ट की, और उसके अलावा और भी गंगापुर सिटी में एक दो कोचिंगों में, और सेल्फ स्टडी के द्वारा यहीं पे इसी क्षेत्र में तैयारी की है, कहीं ना जयपुर ना कहीं और। तैयारी के लिए ज़्यादातर तो आपको जो गाइडेंस मिल रहा है उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है, मेरा तो यही मानना है। बिल्कुल सर ने सही कहा कि देखो, तैयारी के लिए एक जुनून होना चाहिए, और वो जुनून दीपक जी में था, और इसी का एक परिणाम ये रहा कि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में LDC को क्रैक किया। और LDC क्रैक करने के बाद अगर आप अपने होम टाउन में हायर एजुकेशन में हो, तो ये मान लीजिए कि मार्क्स निश्चित तौर से ज़्यादा ही होंगे, और भाई आप कम से जितना कम मार्क्स लेके आओगे उतना ही आपको डिस्टेंट लोकेशंस में डाल दिया जाएगा, अलग अलग दूर दूर लोकेशंस में डाल दिया जाएगा, डिपार्टमेंट भी थोड़े डाउन रह सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग अच्छे मार्क्स गेन करके लाते हो तो डिपार्टमेंट आपको पास में ही मिलते हैं, आपका होम टाउन मिल जाता है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप लोगों की काउंसलिंग हो जाती है, ये एक फ़ायदा हो जाता है। और सिलेक्शन के लिए इन्होंने बताया कि अगर आप वन टाइम सिलेक्शन अगर लेना चाहते हो तो एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर चलना, पढ़ते तो सभी है लेकिन मार्गदर्शन उचित होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो सर, आपने जब पढ़ाई शुरू की थी तो आपने किस सब्जेक्ट पर कितना ध्यान दिया, मतलब कौन सी सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़ा? जी सर, मैंने जो पढ़ाई स्टार्ट की थी उस समय मैंने पढ़ाई में एक गैप आ गया था मेरे, मैंने 2014 के बाद पढ़ाई छोड़ के 2 साल गैप लेके फिर दोबारा 2016 में पढ़ाई स्टार्ट की थी, तो उसमें मुझे सारी सब्जेक्टों को प्रॉपर टाइम देना पड़ा और एक कंटिन्यू लर्निंग करनी पड़ी उसके लिए। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसी होती है जो रटने वाली होती है, कुछ सब्जेक्ट ऐसी जो सीखने वाली होती है, हर सब्जेक्ट में कुछ रटने वाले टॉपिक होते हैं, कुछ समझने वाले टॉपिक होते हैं, तो उन सभी को आपको कोई भी सब्जेक्ट को कम नहीं आंकना है, सभी पर अपना बराबर फोकस देना है और बराबर सभी को लर्निंग करनी है रोज। बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने कहा, तो इससे एक निचोड़ ये निकला कि देखिए, सब्जेक्ट कोई सी भी कमज़ोर नहीं है, कोई सी भी स्ट्रांग नहीं है, सबको बराबर वेटेज देके चलना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट सिलेक्शन में आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरी बात, इनमें सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ दो पहलुओं पर इन्होंने चर्चा की। एक पहलू तो था जिसमें कुछ चीज़ें थी रटने की, और कुछ चीज़ें होती हैं जो समझ करके करनी होती है, तो आपको उन दोनों पहलुओं पर विशेष और बराबर पक्षों में ध्यान देना है, मतलब आपको किसी भी पक्ष को इग्नोर नहीं करना है, ये विशेष बात रही आज के लिए जानने की। फिर अगला जो मेरा क्वेश्चन है दीपक जी आपसे, ये है कि अभी फिलहाल LDC का प्रारूप बदल करके एक क्वालिफाइंग एग्जाम का एक नाम दे दिया गया है, उसको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि समान तो इस समान पात्रता परीक्षा को देने के लिए बच्चों को किस हद से तैयारी करनी चाहिए, क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा बहुत प्रकाश डालेंगे आप? जी,
मेरा मानना यह है कि जो सीटी नया पैटर्न लागू किया है वो भले ही थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा बच्चों के लिए, लेकिन इसमें एक छटनी हो जाएगी, सॉर्टिंग करने में आसानी होगी। कई बच्चे जो यूं ही भीड़ भराते हैं, 15-15 लाख 20-20 लाख आवेदन होते हैं, उनमें से एक प्रॉपर अच्छे बच्चे आएंगे, और इस जो सीटी का जो पैटर्न है, इस पैटर्न में आपकी एक प्रॉपर एक एग्ज़ाम को नहीं, पूरे इंडिया लेवल के या फिर अपन बोले पूरे राजस्थान की जितनी भी एग्जाम हो रही है उन सब का प्रारूप इसमें सेट कर दिया है। तो आप सीटी तैयारी करते हैं, इसका मतलब आप सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये पैटर्न बहुत अच्छा है, और विद्यार्थी को इसके अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्टों को पढ़ने का अवसर मिलेगा, और पढ़नी भी चाहिए उन्हें सारे सब्जेक्ट, ताकि वो उनके और एग्जाम में भी काम आएगी, ना केवल LDC इसके ऊपर की भी और एग्जाम है उसमें भी काम आएंगे, जैसे राजस्थान पुलिस है, पटवार है, जूनियर अकाउंटेंट है, ये सारी तो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी जी। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये लगनी चाहिए थी और ये बिल्कुल सही किया है सरकार ने जो किया है जी। अच्छा देखो, जो समान पात्रता परीक्षा है इसका एक फायदा तो बच्चों को मिलेगा, पहली बात कि जिसने इसकी शिद्दत से मेहनत कर ली, मतलब सेट की तैयारी जिसने शिद्दत से कर ली, उसको मेन एग्जाम के लिए सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। मेन एग्जाम में इतने पापड़ नहीं बेलने हैं, इतना पत्थर नहीं फोड़ना है, इतनी ज्यादा कड़ी मेहनत नहीं करनी, उनको सिर्फ टेस्ट सीरीज करना है, प्रैक्टिस करना है, और सॉरी एक गेटवे ये हो गया कि पहले जैसे कोई कैंडिडेट था जैसे राजस्थान पुलिस की तैयारी करता था जी। तो राजस्थान पुलिस की तैयारी में उसे राजस्थान जीके पढ़नी थी, साइंस पढ़नी थी, रीजनिंग पढ़नी थी, कंप्यूटर पढ़ना था, नेशनल जीके पढ़नी थी, उसको हिंदी से कोई मतलब नहीं था, उसको इंग्लिश से कोई मतलब नहीं था, उसको मैथ से कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब जो बच्चा सेट की तैयारी कर रहा है वो इंग्लिश भी पढ़ रहा है, मैथ भी पढ़ रहा है, हिंदी भी पढ़ रहा है। पटवार के बच्चे थे उनको कुछ ऐसी सब्जेक्ट थी जिनसे मतलब नहीं था, LDC वाले बच्चों को केवल साइंस पढ़नी थी, मैथ पढ़नी थी, हिंदी पढ़नी थी, इंग्लिश पढ़नी थी, राजस्थान जीके पढ़नी थी, नेशनल जीके नहीं पढ़नी थी, रीजनिंग नहीं पढ़नी थी। तो अब ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में लगभग 8 के लगभग सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़नी है, और इन 8ों सब्जेक्ट्स का एक इतना बड़ा बेनिफिट बच्चों को मिलने वाला है कि मतलब जैसे आप सामने कई सारे गलियारे खोल रहे हो, सामने कई सारे टनल्स खोल रहे हो, सुरंगें खोल रही हो, और उनका एक ही दरवाजा है। ये मान लीजिए सेट एक मेन गेट हो गया, और उसके बाद में सुरंगों के कई सारे गैलरीज निकल रही है, राजस्थान इंडिया लेवल की भी इसमें सारी चीजें कवर हो रही है। हाँ, इंडिया लेवल की भी इसमें सारी चीजें कवर हो रही है, ये एक बहुत बढ़िया बात रही आज के सेशन में जानने की। अच्छा सर, मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे विद्यार्थी जो मेनली जानना चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि सर आपने LDC को एक बार में क्रैक किया, और LDC अपने आप में कई लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, कई लोग ड्रीम प्लानिंग बनाते हैं LDC के लिए, हजारों लाखों लोग एक साथ तैयारी करते हैं, आप एक होम टाउन में एक्सपेक्टेड पोस्ट पर हैं, तो ये जानना चाहेंगे बच्चे कि सर कैसे हम लोग तैयारी करें, कितना टाइम दें, कितना हम घंटे पढ़ें, कौन सी चीज़ों को हम विशेष तौर से ध्यान दें, किसको नहीं दें, ये सर थोड़ा सा एक इस चीज़ पर विचार डालिए जी। पढ़ाई शुरू करने से पहले तो आपको सबसे पहले अपना मानस बनाना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना क्यों है, मेन बात, और उसके बाद में आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना है कि वो 8 घंटे पढ़ रहा है या वो 10 घंटे पढ़ रहा है। हर बच्चे की अलग अलग अपनी क्षमता होती है, जो बच्चे 10 घंटे पढ़ते हैं हो सकता है आप उसको 6 घंटे में कवर कर पाएँ, हो सकता है आप उसको 12 घंटे में कवर कर पाएँ, तो ऐसा नहीं है आप क्षमता से बाहर नहीं जा पाएंगे, लेकिन आप जितनी आपके अंदर क्षमता है, कैपेबिलिटी है, उसको एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ और एक लर्निंग के साथ समझ करके पढ़िए, कवर कीजिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब सर ने जो बताया उसके एक जो मेन बात रही वो ये रही कि टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, टाइम आप अपनी क्षमता अपनी कैपेसिटी के आधार पर दें, लेकिन जितना भी पढ़े शिद्दत से पढ़े, मन से पढ़े कि आपको लर्न हो जाए। ऐसा नहीं है कि 12 घंटे बैठे हुए हैं लेकिन आपको कोई भी एक भी वर्ड लर्न नहीं है या एक पेज लर्न नहीं है, लर्न किया तो अगले दिन भूल गए, ऐसा नहीं, लर्निंग होनी चाहिए बाई हार्ट, मन से। तो कितने भी कम समय की पढ़ लो लेकिन अगर मन से आपने पढ़ाई की है तो वो आपके काम आती है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे सर की बात से मेरा एक मैसेज निकल के आया कि जैसे एक घोड़ा होता है, तो जो रथ वाले घोड़े होते हैं उनके आँख के दोनों साइड पट्टी बांध दी जाती है, तो पट्टी बांध दी जाती है तो उसका मतलब क्या है कि उनको अगल का और बगल का नहीं दिखता है, उनको सीधा सामने का दिखता है, मतलब वो टारगेटेड होते हैं। तो आपको एक टारगेट बना लेना चाहिए कि आपको इसी बार के सेशन में LDC को क्रैक करना है, और अगर जब आप एक बार टारगेट सेट कर लेते हो तो उसके बाद आप लोगों को डिस्ट्रैक्शंस आपको खींचते नहीं है, आप सिर्फ अपनी मंजिल को पाने के लिए लग जाते हो। और जब किसी के अंदर जिद और हद लग जाए ना, या जिद जब लग जाए किसी चीज को पाने की, तो वो हद तोड़ देता है उस चीज को पाने में की जाने वाली मेहनत की। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक लाइन थी। सर तो मेरा अंतिम आपसे एक सवाल है, और वो ये है कि आप हमारे बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे
कि वो क्या करे। अब जैसे कुछ बच्चे जो हमारी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कॉस्मोस में पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और वो बच्चे जो अभी हमारी कोचिंग से जुड़े हुए नहीं है, वो दूसरी जगह तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझें कि हमारे जो मनीष मंगल सर हैं वो चीज़ों को इतना सिंपल बना देते हैं बच्चों के लिए कि उनको मतलब बहुत कम प्रयास करना पड़ता है समझने के लिए। और इंग्लिश जैसी कठिन सब्जेक्ट जिसको बच्चे मतलब पढ़ने में घबराते हैं, मेरे जैसे बच्चे खासकर, उसके लिए मतलब बहुत आसान बना देते हैं। और दूसरा, बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हो, यहाँ की बात नहीं है, वो मेरे जैसे CGL की कोचिंग है मेन, तो CGL में से ही CGL निकल के आ रहा है कि C4 सेल्फ कॉन्फिडेंस, G4 प्रॉपर गाइडेंस एंड L4 कीप लर्निंग, यानी लगातार सीखने का प्रयास और एक प्रॉपर गाइडेंस, जो कोई ज़रूरी नहीं है, आपके कोई भी गाइड हो सकता है, आप मनीष मंगल सर है, कोई और भी सर है, उनसे सीख सकते हैं। और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर होना चाहिए, किसी और के ऊपर नहीं, कि आपने जो पढ़ा है वो परफेक्ट है। आप लगातार प्रयास करें, परीक्षाओं को दें, समझे पैटर्न को, फिर आप एग्जाम दें, यही मेरा कहना है। अच्छा सर, एक अंतिम चीज़ और सर जी, मतलब ये जो टेस्ट सीरीज होती है सर, पहले जैसे आप जब पढ़ते थे कोचिंग में तो इतने टेस्ट सीरीज की फैसिलिटीज हमारे पास नहीं थी, लेकिन अब हम एक बच्चों के लिए रेगुलर टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, जैसे कि एवरी संडे हम एक फुल लेंथ टेस्ट का लगाना और फिर सेक्शनल टेस्ट का लगाना, जितना पढ़ा दिया हम क्लास में से उससे टेस्ट पूछते हैं, तो ये किस हद तक कारगर साबित होता है? बच्चों को इनको टेस्ट को रेगुलर देना चाहिए कि नहीं, सीरियसली देना चाहिए कि नहीं, तो इसको कैसे देना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि नहीं, आप थोड़ा इस पर सर कुछ बात। जी, ये टेस्ट सीरीज वैसे वाकई में काफ़ी अच्छी चीज़ है। पहली बात तो ये पढ़ाई में आपका जो रोमांच है उसको बनाए रखती है, ऐसा नहीं आप लगातार क्लास ले रहे हैं, आपको मूल्यांकन करने का अवसर ही नहीं मिल रहा, तो ये बच्चे को मूल्यांकन करने का अवसर देती है कि एक छुट्टी आई, आपने घंटे की टेस्ट सीरीज दे ली, तो उसमें आपका पूरा दिन का माइंड फ्रेश भी हो जाएगा और आपका डिविजन भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, टेस्ट सीरीज आपको एक एग्जाम का माहौल पहले क्रिएट करके दे रही है। पहले ऐसा पैटर्न नहीं था अपने आप में, अपने क्षेत्र में और अपने यहाँ भी जयपुर में भी नहीं था ज़्यादातर, अभी एक दो सालों में हुआ है। तो आपको एग्जाम से पहले ही एग्जाम कराने का जो अवसर मिल रहा है वो वाकई में काबिल तारीफ है, कि मतलब पहले ही आपके लिए सारी चीज़ें रख दी गई हैं, बस आपको उनका आदि होना है। नहीं तो पहले बच्चे क्या है, एग्जाम हॉल में जाते थे, वहाँ जाके ही सारा मतलब दिमाग में गुड़ गोबर हो जाता था नया कुछ, तो ये है। अब इसमें टेस्ट सीरीज में कुछ नया भी देखने को मिलता है बार बार अपन को, और पैटर्न भी बार जो भी नए नए पैटर्न आ रहे हैं उन पैटर्नों के हिसाब से टेस्ट सीरीज डिजाइन की जाती है, तो उससे बच्चों को निश्चित रूप से फायदा मिलता है। बिल्कुल। और एक बात सर ने कही कि सब्जेक्ट को मैं इजी बना देता हूँ, दरअसल देखो इंग्लिश हैवी इजी सब्जेक्ट, कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई कंट्रीज बोली जाती है ना, तो कंट्रीज में बोली जाती है तो इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, तो मैं तो उसको खास इजी बना ही नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये इजी सब्जेक्ट है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और हमारे जो कोचिंग की जो स्ट्रेंथ है ना फिलहाल, वो इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस, यानी हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करा रहे हैं आप लोगों को, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा बच्चों की मेहनत में होता है, टीचर की मेहनत में नहीं, टीचर तो साथ में करता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभाशीष कि आपने आकर के यहाँ पर हमारे जो बच्चों को मार्गदर्शित किया, और मुझे लगता है कि आपके द्वारा दिए गए ये दो चार पॉइंट्स जो हैं, जो टैक्टिस हैं, वो हमारे बच्चों के करियर बिल्डिंग में कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच दीपक जी। थैंक यू सर। थैंक यू बन सके। ओके सर, हो गया।